डायरेक्टर पूजा भट्ट ने बताया जिस्म के लिए खुद बन गई थी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, फिर इस तरह फिल्माए थे जॉन बिपाशा के इंटीमेट सीन्स। डायरेक्टर पूजा भट्ट को एक बार फिर उस समय की याद आई है जब वे अपनी फिल्म जिस्म में इंटीमेट सीन फिल्माने के लिए इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर भी खुद ही बन गई थी। इस बात का खुलासा पूजा ने हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में इंटीमेट सीन्स करने के लिए उन्होंने बिपाशा बसु पर कोई दबाव नहीं डाला था। तब उन्होंने बिपाशा को यह डिसाइड करने के लिए भी पूरा स्पेस दिया था कि वे सीन्स में किस हद तक जानना चाहती हैं। साल 2003 में रिलीज हुई जिसमें बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म में दोनों के कई इंटीमेट सीन्स भी थे। बिपाशा से कहा था, खुद तय करो सीन्स में किस हद तक जाना है। पूजा भट्ट ने कहा, मैंने एक विमेन और एक्टर होने के नाते बिपाशा बसु से कहा था कि मैं तुमसे कुछ भी ऐसा करने को नहीं कहूंगी जिसमें तुम कंफर्टेबल न हो। पूजा के अनुसार इस फिल्म में कोई न्यूडिटी नहीं थी, लेकिन एक तरफा सेक्सुअलिटी थी। बिपाशा को सिर्फ जॉन को सीड्यूस करना था। उन्होंने कहा, मैंने बिपाशा को बताया था कि सीन्स कन्विंसिंग लगना चाहिए, ऐसा ना लगे कि तुम्हें अजीब लग रहा है या संकोच हो रहा है। मैंने बिपाशा से यह तय करने को भी कहा था कि वे सीन्स में किस हद तक जानना चाहती हैं, और यह फैसला मैंने पूरी तरह से उन पर ही छोड़ दिया था। मैंने बिपाशा के लिए एक ऐसा क्रू भी तैयार किया था जिनसे बिपाशा सेट पर असहज महसूस न करें। पूजा ने बॉम्बे बेगम्स में अपने इंटीमेट सीन्स के बारे में भी बताया। पूजा भट्ट हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स में नजर आई थी। वेब सीरीज में अपने इंटीमेट सीन्स के अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके सीन्स की शूटिंग के दौरान कोई भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं था। हालांकि डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव ने उन्हें काफी कंफर्टेबल कर दिया था। पूजा ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर से सीन्स के बारे में डिटेल में बात की थी, इसलिए वे डायरेक्टर और अपने कोस्टार्स के साथ पूरी तरह इंटीमेट सीन्स देने में कंफर्टेबल हो सकी थी। जिस्म की प्रोड्यूसर भी थी पूजा भट्ट ने अपने एक सफल एक्टिंग करियर के बाद प्रोडक्शन और डायरेक्शन में कदम रखा था। उन्होंने सुर, जिस्म, पाप, रोग जैसी कई शानदार फिल्में बनाई हैं। खास तौर पर उनकी फिल्म जिस्म को आज भी याद किया जाता है। वे इस जिस्म की प्रोड्यूसर भी थी। यह फिल्म काफी बोल्ड थी और इसका म्यूजिक भी फैंस द्वारा काफी पसंद किया गया था।